जनता का वक्त है, आम जनता जो चुनती है हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो यहाँ सवाल भी होंगे, जवाब भी होगा और सच भी कि जनता किसे चुनना चाहती है देश का अगला प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, किसे चुनना चाहते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री? मोदी मोदी राहुल गांधी को किसी को नहीं देखना चाहते। नरेंद्र मोदी को जी, राहुल गांधी को, राहुल गांधी को ना, हम तो चुनेंगे अपना नरेंद्र मोदी को। मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी अगले देश के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, मैं लवली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय भारत में। इलेक्शन सर पर है और जैसा कि आपको पता है कि अब इलेक्शन के दौर में आम जनता का वक्त है, आम जनता जो चुनती है हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो यहाँ सवाल भी होंगे, जवाब भी होगा और सच भी कि जनता किसे चुनना चाहती है देश का अगला प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। और आइए जानते हैं जनता से ही कि किसे चुनना चाहती है देश का अगला प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है सर? क्या मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किसे देखना चाहते हैं देश का अगला? किसी को नहीं देखना चाहते हम जी, किसी को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी चोर हैं, सभी चोर हैं और कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ बात बनाते हैं, समझे। और रही बात, इंडिया में क्या चीज नहीं है, सारी सुविधा है, फिर भी यह एक विकासशील देश है कि नहीं? विकसित कंट्री कब होगा? मैं पूछता हूँ उन नेताओं से जो इतने साल से बैठे हुए हैं गद्दी पर, क्या करते हैं है? क्या करते हैं? विकासशील को विकसित कंट्री नहीं बना सकते हैं? एक छोटा सा जापान, कई बार उसको विध्वंस किया गया और वो विकसित कंट्री है। इंडिया में क्या नहीं है, क्यों नहीं करते हैं? सब चोर हैं, सब के सब चोर हैं, सब खा पी के पका गए, पूरे देश को बेच लिया, और क्या बोलना है, किसी को नहीं देना। तो हमारे साथ युवा लोग भी हैं, युवा किसे चुनना चाहती है देश का अगला प्रधानमंत्री, ये भी हम आपको बताएंगे, किसे चुनना चाहते हैं आप देश का अगला? नरेंद्र मोदी को, क्योंकि युवाओं के लिए उन्होंने वैकेंसी रोजगार आ रहा है और सभी मतलब काम भी अच्छा हो रहा है, महंगाई भी कम हुआ है पहले से, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा हुआ है, अभी वैकेंसी भी आ रहा है अच्छा खासा, और लेडीज लोग को भी पहले से अच्छा हुआ, क्राइम कम हो चुका है। किसे चुनना चाहेंगे आप देश का अगला प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। क्यों क्यों, क्या रीजन क्या है? यंग है, अभी नया है, यंग है और नया है, मतलब आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर है राहुल गांधी? हाँ बेहतर है जी, बेहतर है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसको चुनेंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को जी जी। क्यों क्यों, नरेंद्र मोदी को क्यों? क्या बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है, गरीबों पर बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। आप किसे चुनना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को उबाओं का नेता होना चाहिए देश के भविष्य के लिए, राहुल गांधी हमारे लिए बनिया काम करेंगे, रोजगारी दूर करेंगे, इसलिए राहुल गांधी को नेता चुनना चाहिए इस बार। मतलब नरेंद्र मोदी के दौर में मतलब आप बेरोजगार रहेंगे और राहुल गांधी जब आएंगे तो आपको रोजगारी मिलेगी, ऐसा आपको लगता है? जी हाँ, नौकरी राहुल गांधी के समय में ज्यादा वैकेंसी निकलती है, नरेंद्र मोदी वैकेंसी को खा गई है। मतलब ठीक है, इनके हिसाब से जो है राहुल गांधी जो है इनके हिसाब से देश का अगला नेता होना चाहिए। तो जनता से हम जानेंगे, लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके हिसाब से जो है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में कौन उनका जो प्रधानमंत्री, कौन उनका नेता होना चाहिए, देश को आगे किससे चलाना चाहिए, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। और हम अभी बस में सवार होते हैं और उनसे जानेंगे कि किससे वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बने या फिर राहुल गांधी बने, किसे चुनना चाहते हैं आप देश का अगला प्रधानमंत्री? मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी अगले देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हमारी सरकार ये बात कहती है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, तो क्यों ना प्रधानमंत्री के पद पर एक युवा ही आए फिर से। हम नरेंद्र मोदी को मौका दे चुके हैं, एक बार राहुल गांधी को भी जरूर मौका दें। लड़कियां हैं हमारे साथ, कुछ किसे चाहते हैं आप देश का अगला प्रधानमंत्री? ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी को चाहेंगे, और इन्होंने जैसे इन्होंने कहा कि हमारे अगला प्रधानमंत्री युवा होना चाहिए, हम उन्हें बोलना चाहेंगे भले ही नरेंद्र मोदी का उम्र ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन अभी भी वो युवा से भी युवा हैं, और बहुत सारे उनके में रीजन है, जैसे हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सबसे बड़ा रीजन, हमारे देश को इतनी तारीफ हुई, और 26 जो मुंबई हमला हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने कुछ नहीं किया था, और या सर्जिकल स्ट्राइक पर इन्होंने इतना कुछ किया। और दूसरी बात, जो एक अच्छा वक्ता नहीं हो सकता वो हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या बनेगा? तो हमारे साथ कुछ आंटी हैं जो घर चलाती हैं, जैसा कि आपको पता है कि घर द्वार जो है औरतों से ही चलता है, तो आखिर वो किसे देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहती है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ना, हम तो चुनेंगे अपना नरेंद्र मोदी के। अच्छा,
हाँ अपन नरेंद्र मोदी के मतलब का बा थोड़ा से एहू बता दी। सुनिए ना, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से देश के बहुत विकास हुआ है, सब अच्छा चल रहा है। ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं, हम जब से मतलब पटना में आए, हमको तो देहात के थे तो हमको शादी होकर पटना में आए, तो देखिए आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं आया था, तो इसलिए हम तो नरेंद्र मोदी के समर्थन करेंगे। तो किसे चुनना चाहते हैं आप, देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? पहले तो ये देखा जाए कि जो पहले से जो विकास जो पद्धति जो गिरी हुई थी राहुल गांधी के रीजन में, वो पटरी जो है ऊपर उठ चुकी है। इसलिए अगली बार नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनने की इच्छा मैं जाहिर करता हूँ। कारण एक और ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो जम्मू कश्मीर के बीच में लोग किए थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच लड़ाई नहीं लड़ा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा। इसी तरीके से सभी घर को देखते हुए हम लोग अपनी जो है कि सारी शक्ति के साथ में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कोशिश करेंगे, और आवाम जनता से भी जात पात से उठकर काम करने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की मतलब आप जो है नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं और नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री बने। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जनता किसे चुनना चाहती है, देश का अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं आप, देश का अगला प्रधानमंत्री? मोदी 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 मोदी। क्या कारण क्या है मोदी को चुनने का? मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है जी। देश के लिए जो उग्रवादी था आतंकवादी था उसको लिए टेलिस को मारे हैं। और भी जनता है हमारे साथ, यूथ है, उनसे हम जानेंगे कि किसे चुनना चाहते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री। कांग्रेस राहुल गांधी को। राहुल गांधी बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या है राहुल गांधी? क्योंकि मुझे लगता है कि सत्ता को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल ले नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं, बट गरीबों के लिए बहुत मीडियम फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आना चाहिए। तो राहुल गांधी की कुछ ऐसी क्वालिटीज तो होगी ना जिससे आप अट्रैक्ट होके चाहते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मतलब इस बार जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में आए? देखिए मोदी सिर्फ नाम का काम किया है और काम के लिए सिर्फ कांग्रेस ही काम करता है, मोदी का सिर्फ नाम चलता है काम नहीं चलता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी को आना चाहिए सत्ता में। देखा आपने जनता की राय कि जनता किसे अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, किसी ने कहा है नरेंद्र मोदी तो किसी ने कहा है राहुल गांधी, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप किसे अपना अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ साथ आप न्यूज अपडेट्स के लिए हमेशा देखते रहें अजय भारत।